हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आपकी आवाज़। मैं हूं नूरान और आज शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA मिस्टर रिजवान अरशद ने बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन किया एक्टिव रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों के साथ, जहां उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशंस की, खास करके सिविल इश्यूज़ और मानसून सीजन के बारे में। इस सेशन का आउटकम हमें आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। इसके साथ ही साथ रिजवान अरशद MLA मिस्टर रिजवान अरशद ने एक वाटर पंप का इनॉग्रेशन किया और उसके वहाँ के लोकलाइज को डस्टबिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि वो अपने सराउंडिंग्स को, अपने घरों को साफ सुथरा रख सकें। देखते हैं इन सारे इवेंट्स की क्लिपिंग्स। सो इट इज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल। आई थॉट विद कोविड लॉट ऑफ पीपल हैव फॉरगॉटन द इश्यू बिकॉज द बिगर इश्यू इज इन फ्रंट ऑफ अस, बट आई एम हैप्पी that we are trying to cope up with COVID and carry on with our, you know, day-to-day lives. So, in fact, I started meeting all the residents in an organized way. Although in the COVID, I have been around meeting people, trying to do what little I can do to help them out. So, as you said, the Infantry Road one, is a smart city project. When I got elected nearly 5-6 months back, I had taken a review and tried to push it so that the project gets all the smart city projects. We could speed up and try and finish it again. Unfortunately, with this, the lot of labor problem and so many other issues have come up, and I am unable to give deadlines to the contractors. In fact, I had a review meeting with the Smart City MD and Mayor and all that. But there are little practical issues on the ground. स्वल्प दूर अदर बने फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज डू सब्सक्राइब आपकी आवाज़।